₹20 के खर्च में आप मक्खियों को अपने घर से छुमंतर कर सकते हैं। ये देखिए, इस पर प्राइस भी लिखा हुआ है और कई जगह इनको कपूर की गोलियां भी बोला जाता है। तो ये देख सकते हैं, इस तरह के पैकेज में ये आती हैं और बहुत ही अच्छी है। में तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आते हैं, और अब इनको ना बंद करके इस तरह से, और आपके पास बट्टा हो तो बट्टे से। और अगर आपको किचन में लगाना है पोछा, तो आपकी 5 गोलियों से काम चल जाएगा, वरना आपको पूरा पैकेट ही लेना पड़ेगा पूरे घर में लगाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतनी गहरी होती है कि कोई भी मक्खी मच्छर कीट आपके पास नहीं आएगा मतलब। और बहुत ही अच्छी है ये, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती है, गर्मी का मौसम है ना, तो इसलिए मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये ट्रिक लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कर देना, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नो बेल नोटिफिकेशन के साथ। देखिए सामने आपको दिख भी रही होगी, एक मक्खी आकर बैठ गई है, तो आज इन्हीं के लिए इलाज लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इनको ऐसे बंद कर लेना है और हाथ आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो देखिए ये ईंट है, ईंट की सहायता से इसको ऐसे तो देखिए इस तरह से मैंने इनका जो पाउडर बना लिया है। अब चलते हैं दूसरे प्रोसीजर की तरफ और वीडियो में एंड तक। और ये वीडियो हम सब महिलाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम सब इनसे परेशान रहते हैं। तो तो चलिए, ये देखिए ये वाले हैं ना, मैंने दो मग्गे जो बोलते हैं हमारे यहाँ पानी के ले लिए हैं। तो ये देख सकते हैं पतीले में डाल लिया है मैंने 2 गिलास मतलब ये मग्गे पानी के। और चलिए अब गैस का जो फ्लेम है वो ऑन कर लेते हैं। तो देखिए फ्लेम जो है ऑन कर दिया है और पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम अपने डाल देंगे फिनाइल की, जो हमने गोलियों को पीसा था ना, मतलब जो उनको कूटा था। और गांव है, गांव में तो बहुत ज्यादा मक्खियां होती हैं। तो देखिए मैंने डाल दिया है इसमें, और आप इसके साथ में वैगिनर अगर आपके पास हो तो वो डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। एक बार इस तरह से देखिए चला देना है ताकि ये सारा मिक्स हो जाए अच्छे से। तो अब इसको ढक देते हैं एक उबाल आने तक। तो देखिए ये जो है इसमें डाला था पाउडर वो अच्छे से घुल चुका है, और एक ऑयल जैसा इसमें दिख रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। तो बहुत ही अच्छे से घुल चुके हैं। अब इसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। और इसमें ये वाला फुहारा जो है ना, ये वाला आपको नहीं लगाना है, आपको दूसरे वाला लगाना है, जिससे मतलब अच्छे से स्प्रे हो सके। मेरे पास यही था इसलिए मैंने इसी को यूज़ करके आपको दिखाया है। तो उसमें ज़्यादा निकलता है और अच्छे से लग भी जाता है, तो वही यूज़ कीजिएगा आप। से आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों बोतल नहीं है तो आपको एक और आइडिया बताऊंगी, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो ये देखिए इसको ज्यादा ठंडा नहीं करना है, वरना इसमें ये इकट्ठा सा होने लग जाता है। तो बस इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए। तो ये देखिए इसमें गोल गोल बॉल जैसे भी दिख रही होंगी आपको, ये देखिए। और इसको ज्यादा ठंडा करोगे तो फिर इसको दोबारा से आपको गर्म करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ। तो देखिए इस तरह से आपको डाल लेना है बोतल में। और इस गिलास को ना आपको साथ के साथ धो के रख देना, वरना इस पर पपड़ी वगैरह सी लग जाती हैं। अभी मैं इसको टच करके देख रही थी तो मेरे हाथ पे यही लग गई थी, जम सी गई थी। तो ज्यादा ठंडा नहीं करना है।
रोक दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा मक्खियां थी, अब एक भी मक्खी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। कुछ एक दो ही मिलेंगी, वरना इतनी ज्यादा जो मक्खियां थी ये देख सकते हैं, बिल्कुल भी एक भी मक्खी नहीं है। जो थी वो घायल होकर मर चुकी है, ये देख सकते हैं। इसको देख लीजिए कैसी हो गई है ये। और कुछ थी वो उड़कर चली गई है, तो देख सकते हैं आप फर्श को, एक भी मक्खी नहीं है। तो देखिए अगर आपको इसको ज़्यादा देर के लिए रख दोगे तो इस तरह से जम जाएगी। इसको गर्म करने के बाद इसका साथ के साथ पोछा लगा लेना या स्प्रे आपको कर देना है। है एक भी मक्खी नहीं है, सारी जो है वो उड़कर जा चुकी हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक दो ही मक्खी आपको देखने के लिए मिलेंगी, वरना जितनी पहले थी उससे बहुत ही कम मक्खियां अब है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।